अब एक नजर डालते हैं नागपुर के सियासी हलचल पर, जहां दक्षिण नागपुर सीट को लेकर कांग्रेस की दावेदारी पर चर्चाएं तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अभिजीत वंजारी ने इस सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। उनका कहना है कि यह सीट कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के तहत इसे कांग्रेस को ही मिलना चाहिए। अभिजीत वंजारी ने कहा है कि दक्षिण नागपुर सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। यहां से कई कांग्रेस विधायक चुनकर आए हैं और उनके पिता इस सीट के पहले विधायक थे। ऐसे में कांग्रेस का इस सीट पर दावा पूरी तरह से जायज है। वंजारी ने कहा कि हर पार्टी को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन जिस पार्टी की उस क्षेत्र में स्थिति मजबूत हो उसे ही मौका मिलना चाहिए। उनका मानना है कि महाविकास आघाड़ी में अगर सीटों का बंटवारा इलेक्टोरल मेरिट के आधार पर हुआ तो विदर्भ क्षेत्र में गठबंधन को बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। संघर्ष हा काही नाही, प्रत्येक पक्षाचा अधिकार आहे तिकीट मागण्याचा। मित्रपक्ष जरी असले तरी प्रत्येकाचा अधिकार आहे, हे मानणाऱ्यापैकी मी आहे। परंतु त्या त्या विधानसभा मतदारसंघामधली त्या पक्षाची स्थिती ही सर्वजणांनी जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे। आणि त्या इलेक्टिव्ह मेरिटनुसार जर त्या जागा वाटप झाल्या तर निश्चितपणानं महाविकास आघाडीच्या फेवरमध्ये या विदर्भातलाही मोठ्या प्रमाणामध्ये निकाल लागेल। आगे अभिजीत वंजारी ने कहा कि हम जल्द ही दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से मिलकर विदर्भ की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी की मांग करेंगे। जब कांग्रेस का मजबूत आधार है वहां हमारी दावेदारी रहेगी। दक्षिण के कार्यकर्ते हेच म्हणतात की ही सीट आमची आहे, पारंपरिक आमची कांग्रेस पक्षाची राहिली आहे, अनेक आमदार कांग्रेस पक्षाने दिलेले आहे। माझे वडील 2009 चं परिसीमन, त्याच्यापूर्वी 1978 ला पहिला परिसीमन झालं होतं, तेव्हा दक्षिण नागपूरची निर्मिती झाली होती। दक्षिण नागपूरचे पहिले आमदार माझे वडील होते। आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांची भावना आहे की हा काँग्रेस पक्षाचा गड आहे, हा आमच्याकडे राहावा, ही मागणी रास्त आहे। तो ये थे नागपूर की राजनीतिक हलचल। अब देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है और कांग्रेस की दावेदारी को कितनी तवज्जो मिलती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ जरूर आइए। डैम वैली और जंगल से घिरा सातपुड़ा के हिल स्टेशन पर स्कूल, फैमिली और ऑफिस पिकनिक के साथ ही शादी, बर्थडे और नाइट पिकनिक के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन। मुंबई गोवा वाली बोटिंग अब शिव तीर्थ में, साथ ही न्यूली अपडेटेड आदिशक्ति वाटर पार्क, मोगली एडवेंचर पार्क, मर्मेड बोटिंग पार्क, वाली राजा एग्रो पार्क। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, तो भूलना जाना शिव तीर्थाना।